कमांडो 3 डायरेक्ट किया है इसे आदित्य दत्त ने, और जो इसके अंदर कास्ट है विद्युत जामवाल, अदा शर्मा, अंगीरा धर, गुलशन देवैया। और अगर मैं आप लोगों से इसकी स्टोरी की बात करूं संक्षेप में, मतलब कि पूरी विस्तार से ना बताकर छोटी सी अगर इसका आपकी स्टोरी बताऊं, तो एक टेररिस्ट है जिसे प्ले किया है गुलशन देवैया ने, जो लंदन में है, और वो एक टेरर प्लान करता है भारत के अंदर, जो एक दशहरे के दिन होने वाला होता है, और उसको रोकने के लिए 4 बंदों की एक टीम बनाई जाती है जिसे लीड करते हैं विद्युत, जिन्होंने प्ले किया है करण सिंह डोगरा का किरदार। अब ये इसको रोक पाते हैं नहीं रोक पाते हैं, अब देखो इसके अंदर सस्पेंस रखने वाली तो मुझे कोई बात लगती नहीं है कि मैं इसके अंदर सस्पेंस रखूँ, ऑब्वियसली वो रोक पाएंगे। अब एक छोटी सी चीज़ इस मूवी के आगे बताने से पहले कि मूवी कैसी है, अच्छी है बुरी है, एक्शन कैसे हैं, एक्टिंग कैसी है, स्टार्टिंग की अगर मैं बात करूँ, एक छोटा सा जो सीन जो मुझे खटका इसके अंदर, बाकी मूवी अच्छी है, जो एक सीन जो मुझे खटका उसके ऊपर थोड़ा सा मुझे मुझे क्या बताऊँ, अब जो मैंने फील किया वो मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर देता हूँ। देखो ऑब्वियसली जो इसके अंदर जो दिखाया गया कि पहलवान जो है वो एक अखाड़े में पहलवानी कर रहे होते हैं, और उनके सामने जो होता है एक स्कूल होता है, तो एक लड़की एक वीडियो बनाती है अपनी, और वो वीडियो वायरल कर देती है सोशल मीडिया पे कि जो पहलवान है वो उनकी स्कर्ट के ऊपर कुछ कमेंट करे जा रहे हैं। मुझे नहीं पता ये किस बेस के ऊपर वो क्या दिखाना चाहते थे क्या नहीं दिखाना चाहते थे, तो ये वो चीज़ करते हैं, और वहाँ पे विद्युत आके सभी पहलवानों को मारता भी है। जब एक पहलवान आता है तो वो पहलवान रोड के बीच में खड़ा होकर इस लड़की की, जब वो स्कर्ट ऊंची कर रहा होता है, तो कोई भी मदद के लिए नहीं आता, सारे अपने सर नीचे कर लेते हैं, और सारे पहलवान भी बड़े ही गर्व के साथ उसकी मतलब प्रोत्साहित कर रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं। वे तब विद्युत आता है, तब उनको मारता है और बताता है कि मैं यहाँ पे अखाड़े में लंगोट को स्कर्ट की इज्जत करना सिखा रहा हूँ। अब देखो यार एक पब्लिसिटी स्टंट, यार ये मैं कहूँगी अगर आपको एक हीरो की एंट्री दिखानी है मूवी के अंदर तो कुछ और वे भी था, अगर आपको कोई किसी चीज़ को प्रमोट करना है या आपको किसी को चीज़ को समर्थन करना है तो कुछ और वे भी था। ये ज़रूरी नहीं होता कि एक चीज़ को आपको प्रमोट करना है या उसका समर्थन करना है तो दूसरी चीज़ की जो वैल्यू है उसको नीचे करके ही किया जाए। बेसिकली मैं हरियाणा से हूँ, और जो ये जो चीज़ दिखाई गई ना, तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा खटकी कि जो पहलवान है मैंने बहुत देखा यार अपने हरियाणा में, ऑब्वियसली पूरे भारत में पहलवानी की बहुत इज्जत है, तो मैं ये नहीं कह रहा कि स्पेशली हरियाणा में, लेकिन जो मैंने देखा है वहाँ रहा हूँ तो वहीं देखा देखता आ रहा हूँ, तो जो वो होते हैं यार जो वो पहलवानी करते हैं अपने, जो अखाड़े में एक जो प्रतिमा रखते हैं हनुमान जी की, उनकी वो पूजा करते हैं, तो एक जो हनुमान जी हैं वो ब्रह्मचारी के जो प्रतीक माने जाते हैं तो उसको वो फॉलो करते हैं, वो ये तो दूर की बात यार, किसी को छेड़ना वो देखते तक भी नहीं है। अब मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोग सोचेंगे ये जो दिखाया गया ये पहलवान है तो इन्होंने ऐसा किया, कर भी सकते हैं, करते भी होंगे यार क्या पता, नहीं भाई ऐसा नहीं करते वो, ठीक है मुझे तो कहीं नहीं लगता ऐसा करते हैं। चलो यार कोई एक आधा, मैं सबकी गारंटी नहीं लेता, चलो एक आधा तो चलो भ्रष्ट हुआ, लेकिन पूरा का पूरा अखाड़ा कहीं पर भी भ्रष्ट नहीं होता यार, ठीक है। तो जो उन्होंने दिखाया कि भाई हाँ ऐसे किया जा रहा है, तो भाई वास्तव में अगर आप देखोगे ना जाके तो वो कितने अपने काम के प्रति वो सिंसियर होते हैं, दूसरी बात वो लड़कियों तक को देख तक भी नहीं है, छेड़ना तो बहुत दूर की बात है, और वो इज्जत बहुत करते हैं यार लड़कियों की, महिलाओं की बहुत इज्जत करते हैं, इवन हरियाणा में तो बहुत ज़्यादा मैंने देखा भी है यार कि कैसे वो ट्रीट करते हैं किसी भी अपनी छोटी लड़की अपनी एज से छोटी को, तो वो बहन कह के, जैसे हरियाणवी में तो बेबे कहते हैं वो, कैसे हरियाणा में बेबे यानी जिसका मतलब होता है बहन कह के वो बुलाते हैं, किसी भी ऐसी आलतू फालतू वो चीज़ नहीं करते, अगर आप उनसे हेल्प की बात करो तो हेल्प के लिए वो तैयार रहते हैं, किसी की लड़की को अगर वहाँ पे छेड़ दिया जाता है तो वो ऑब्वियसली उनकी मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो उस चीज़ को देख के थोड़ा बुरा लगा यार कि तुम दिखा क्या रहे हो। बाकी ये जो चीज़ लगी, मैं चाहता था कि स्टार्टिंग में इसको डिस्कस करूँ, बाद में दूसरी बातें डिस्कस करेंगे, बस ये एक चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा मेरे दिल को मतलब बुरी लगी यार, मैं कहीं नहीं यार ये जो चीज़ थी वो गलत है बिल्कुल, और इसको तो मैं ज़रूर अपनी वीडियो में ज़रूर मेंशन करूँगा। अब बात करें कि मूवी की, मूवी में बहुत ज़्यादा जो चीज़ है एक्टिंग की, मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगा जो एक्टिंग है गुलशन देवैया की, जो एक्टिंग उन्होंने की
बहुत उनको अगर आप देखोगे ना एक्टिंग करते हुए, तो आपको खुद को भी डर लग जाएगा कि हाँ इतनी सीरियसनेस, इतना उन्होंने जुनून उन्होंने उस करेक्टर में डाला है। देवार अंसारी ऐसा कुछ करके वो एक करेक्टर उन्होंने प्ले किया है जो टेरर अटैक प्लान करता है इंडिया में, तो जो ये उन्होंने प्ले किया है बहुत खतरनाक, ऐसे मतलब कि इतनी सीरियस एक्टिंग उन्होंने की। अब अपने बेटे को वो एक अपने साथ में रखते हैं, मतलब इस मूवी में अपने बेटे को इसमें साथ रखते हैं, वो अपने बेटे के सामने ही मर्डर कर रहे होते हैं और उसको कहते हैं कि तुझे देखना होगा जो मैंने तुझे क्या कहा कि जब मैं कुछ कर रहा हूँ तुझे देखना होगा, उसी की आंखों के सामने उसकी माँ का कत्ल कर देते हैं, यानी सब कुछ, और कैसे अपने बेटे को कंट्रोल कर रखा, इतना सीरियसनेस उस इंसान के ऊपर, कमाल यार। अगर वो एक्टिंग आपको देखनी है, जो गुलशन देवैया इनकी बहुत अच्छी मूवी पहले भी आ चुकी हैं, जैसे कि आप हंटर की बात कर लो, बहुत ज़बरदस्त है, इन्होंने एक्टिंग की थी, या रामलीला में उन्होंने एक्टिंग की थी। पर अगर आप सोचो कि इसमें लॉजिक चाहिए हमें, हम घर छोड़ के जाएँ या साथ लेके जाएँ, तो बेशक आप वो घर पे ही छोड़ के जाएँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो आपको हजम नहीं होंगी वो हजम भी करनी पड़ेंगी, वो लॉजिक आपको घर पे ही छोड़ के जाना पड़ेगा। और दूसरी चीज़, ठीक है विद्युत को आप अगर कमांडो 1 से फॉलो करते आ रहे हैं, तो आपको पता है कि उनके एक्शन सीन कमाल के हैं, वो नो डाउट यार। एक्शन जो कमांडो 1 जो बनी थी, कमांडो 2, वो एक्शन के ही बेस पे हम कहें कि बहुत पॉपुलर हुई थी, फिर वो कमांडो 2, फिर ये कमांडो 3, तो एक्शन तो आप नो डाउट कि इसमें बहुत ज़्यादा है, और विद्युत जी ने जो है वो उनमें कमाल ही किया है। और अब बात करें दो लड़कियों की जिन्होंने एक्शन किया है, यार कैमरे को इधर उधर घुमाना और एक आधी लात मारने को, मैं नहीं कहता कि वो एक्शन है, आई डोंट थिंक सो कि वो आप उसे एक्शन की कैटेगरी में डालें। और दूसरी चीज़ जो इसमें एक्शन सीन में जो एक चेजिंग सीन दिखाया जाता है, जो बाइक के ऊपर चेजिंग सीन है, कभी टायर दिखाना कभी ये साइड का, यार मैंने क्या कहा कि बॉलीवुड मूवीज़ में मुझे डरा के रख रखा है, इन बाइक के या कार के जो चेजिंग सीन होते हैं मुझे सच में ये पसंद नहीं आते। हाँ बाकी सब अच्छे हैं कि आप फाइटिंग सीन आप बात करो वो तो बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत पसंद आए पर्सनली, लेकिन ये जो बाइक के ऊपर जो चेजिंग सीन है यार कमान यार, ये मत दिखाया करो यार, कसम से इनसे बहुत डर लगता है, कभी टायर दिखा दोगे कभी साइड की वो चीज़ें दिखा दोगे, नहीं यार वो नहीं पसंद आती यार मुझे, तो थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाए तो उसमें तो काफ़ी हम इंजॉय कर सकते थे उस चीज़ को। बाकी अगर मैं स्टोरी बात करूँ, तो स्टोरी आपको मैंने स्टार्टिंग में बताई दी है, और इसके अंदर जो एक मैसेज देने की बात की गई है हिंदू मुस्लिम के, वही चीज़ें इसमें की गई हैं कि कुछ बुरे मुसलमान होते हैं कुछ अच्छे मुसलमान होते हैं, और बुरे मुसलमानों की वजह से कुछ अच्छे मुसलमानों का नाम बदनाम हो रहा है, तो एज़ यूज़ुअल वही स्टोरी हमें दिखाई गई है। मैसेज अंत में एक अच्छा देने की इन्होंने बहुत अच्छी कोशिश की, हाँ जिसको देख के थोड़ा अच्छा लगेगा, आपको थोड़ा करंट सा दौड़ जाएगा शरीर में, लेकिन एंड द मोमेंट एट लास्ट में आपको लॉजिक नहीं लगाना है कि ये चीज़ें हो क्या रही हैं, उसमें आपको लॉजिक नहीं, मैं पहले कहा कि लॉजिक के लिए आप अगर जा रहे हो तो नहीं, आप प्लीज़ लॉजिक को घर पे ही छोड़ के जाइए, बाकी आप मूवी को एंजॉय कर सकते हैं, मूवी देखने लायक है, ऐसा नहीं है कि मूवी नहीं देख सकते। और इसके अंदर काफ़ी सारी ऐसी जो ये मूवी स्टार्ट होगी एंड तक आपको काफ़ी जगह ऐसे बांध के रखेगी, आपकी आंखें ऐसे खुली भी रहेंगी कि यार मूवी बहुत इंटरेस्टिंग होती जा रही है वहाँ पे। मेरी तरफ से मैं इस मूवी को देना चाहूँगा 7 out of 10 star। हाँ मूवी अच्छी है, मैसेज इसमें अच्छा दिया गया है, और बहुत सी चीज़ें इसमें आप कहें कि ग्राउंड रियलिटी से काफ़ी सारे मिलती जुलती इन्होंने दिखाई गई है। बस आज के लिए इतना ही था, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।